तो आपको जल्दी हिमाचल का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो अभी आप वेट करो, कब तक आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट जिस जगह जाएंगे वो सीक्रेट है, वो हम बाद में बताएंगे। अगर अभी सब कुछ बता दिया तो आप क्या देखोगे? डेथ हो गई थी शायद, किसी कारण से तबीयत खराब थी, तो तब से ये अपने दो छोटे छोटे बच्चों को देख रही हैं, तो माँ के लिए वो बहुत जरूरी होता है कि। तो जी, एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत फिर से हो गई है और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ड्यूटी टाइम पे, तो आज से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी और आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों और नज़ारों के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एकदम से मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने हेलमेट, अपना बैग रेडी कर लिया है। और आज ना सुबह से मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है और आज मेरे को जाड़ों के कपड़े पहनने पड़े, यानी कि मैंने स्वेटर भी निकाल दिया है और एकदम सूट भी ना मोटा सा पहना है, क्योंकि ताकि ठंड ना लगे। और आजकल ना, मतलब अप्रैल के महीने में ना, हमारे घर के आसपास खूबसूरत से नज़ारे हो रखे हैं, क्योंकि कहीं पर गुलाब, कहीं पर फूल, बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम से हरियाली सी। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो जी, मैं पहुंच गई हूं अपने स्टॉप पॉइंट पे। ऑफिस पहुंचते ही इतने सारे पैसे मिल गए। आज पूरा एक महीने बाद करूंगी मैं लंच यहाँ का। ओके, बहुत लंबा छुट्टी के बाद। वही तो, भोपाल दा पूरा चेंज कर दिया आपने, रैक लगा दिया नया, है ना? अच्छा, यहाँ पे। हाँ, ये नहीं था ना पहले, रैक वगैरह नहीं थे। तो कैंटीन ब्लॉक से हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, खाना वाना खाने के बाद। आजकल फूल भी मस्त खिल रहे हैं, ये यहाँ पे है वाइट रोज, यहाँ पे पिंक। हेलो, आज हमारे ब्लॉग में न्यू मेहमान हमारी पूजा जी, जो हिमाचल से है ना। हाँ? कैसा लग रहा है उत्तराखंड में? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम खराब है, ठंड लग रही है। हिमाचल की तरह नहीं है? नहीं, अभी मौसम खराब होने की वजह से ना ठंड हो गई है, तो अभी ठंड लग रही है। हाँ। वैसे बहुत मजा आ रहा है और ये लोग तो मुझे बहुत घुमा रहे हैं, तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बढ़िया, कुछ टाइम यही रहो, हम तो बोल रहे हैं एक आध हफ्ते यही रहो। तो अभी हेमा जी आ रही है हिमाचल, तो आपको जल्दी हिमाचल का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो अभी आप वेट करो, कब तक आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हेमा जी जरूर आने वाली है, तो वहाँ पे भी मैं दिखूंगी आपको ब्लॉग में। कौन सी जगह हिमाचल में? हिमाचल में आ रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कौन सी जगह जाएंगे वो सीक्रेट है, वो हम बाद में बताएंगे। अगर अभी सब कुछ बता दिया तो आप क्या देखोगे? तो जल्दी प्लान करेंगे हम हिमाचल जाने का, है ना। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, बाय बाय। अभी हम स्कूल जा रहे हैं, मर्जी जा रहे हैं अपना फील्ड एरिया शाम को। बाय बाय, चलो बाय बाय, मिलते हैं चिराग स्कूल। स्पेशली मेंशन करके बोले चिराग स्कूल, ठीक है। हेमजी जा रहे हैं अपना फील्ड एरिया, तो हम मिलते हैं शाम को। शाम में मिल रही हूँ, ठीक है, बाय। तो ऑफिस का आज मेरा पहला दिन, तो लंच करके अब जा रही हूँ मैं ऊपर, और मुझे किसी काम से जाना है फील्ड। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको फील्ड में और दिखाएंगे मेरे को कहाँ जाना है। और अभी थोड़ा धूप आ गई है, वरना बारिश का मौसम हो रहा था। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ऑफिस आ रही हूँ और अभी जा रही हूँ मैं फील्ड, तो दिखाऊंगी आपको बाद में। ये देखो दादा लोग लंच करने के बाद रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो, शादी की तैयारियां हो गई? कितनी तारीख है?
एक दो तीन सही है, आएंगे हम बढ़िया करके। तो ये लोग लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट में है और मैं जा रही हूँ अभी गांव के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काम है ना। और फिर आज पहला दिन था तो मैं लैपटॉप लेके भी नहीं आई, खाली पर्स लेके आई थी मैं, क्योंकि आज ही ज्वाइन किया मैंने। और अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है ना तो इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। और आज बहुत टाइम बाद मैंने ऑफ रोडिंग की और ऑफिस ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा अजीब लगता है पहले दिन, तो फिर आदत आ जाएगी कल से। और कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा फील्ड का बनाऊँ। एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हर रोज़ बारिश हो जा रही है, तो मौसम बिल्कुल एकदम बढ़िया है। तो पहुँच गई हूँ मैं स्कूटी के पास, तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं लंच के बाद पहुँच गई हूँ इधर रास्ते में, यानी कि जहाँ मैं जा रही हूँ उस गांव का नाम है सतोली। और जो मेरे पीछे ना अभी मैं डाउन में जा रही हूँ, और यहाँ पे पूरी ना सीसी वाली सड़क है, यानी कि जो बाहर के लोग हैं ना उनके यहाँ पे बहुत सारे कॉटेज बने हैं। और कैसा रास्ता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि कौन इतना पैदल चलेगा, तो मैं नीचे तक ही अपनी स्कूटी को ले जा रही हूँ, यानी कि जहाँ तक मैं ले जा पाऊंगी ना वहाँ तक मैं ले जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू कैसा लगता है। लेकिन आज थोड़ा सा ना बादलों की वजह से धुंध हो रही है, तो इधर उधर कुछ नहीं दिखता है, वरना यहाँ बहुत टॉप वाली एरिया है, तो यहाँ से सारा अल्मोड़ा और टॉप की कौसानी का टॉप और मतलब बहुत बड़ी बड़ी हिल्स वाली जो चोटियां है ना वो दिखती हैं। वो कभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं और लीजिए आप भी पहाड़ वाली राइडिंग का मजा और व्यू। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तो जी मैं पहुंच गई हूँ सतोली गांव में, और इधर मैंने स्कूटी पार्क कर ली है। और मुझे तो लग रहा था कि मैं नीचे गांव तक लेके जाऊंगी स्कूटी, क्योंकि आप रास्ता देख सकते हैं ना, इस पे क्या हो रहा है ना अभी, इधर को बारिश नहीं हो रही शायद, क्योंकि रोड पे ना बिल्कुल एकदम धूल जमी हुई है, यानी कि जो पतली मिट्टी होती है ना वो फिसलन वाली हो रही है, तो पता चल रहा है कहीं पर स्कूटी के टायर फंस गए और मैं अकेले हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे है एक व्हाइट हेवन रिजॉर्ट करके, तो वो रहा ये, ठीक है। तो इसका गेट खुला है, यहाँ पे नो पार्किंग लिखी है, लेकिन मैं इन्हीं के सहारे ना यहाँ पे अपनी स्कूटी लगा के जा रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑन रास्ते में मतलब कि कोई नहीं है, तो किसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लोग कितने आते जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड पर लगा दी है स्कूटी, क्योंकि अभी शायद मैं थोड़ी देर में लौट ही जाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर पार्क करके जा रही हूँ। और थोड़ा सा ना पैदल चलूँगी, शायद यहाँ से पैदल चलना होगा आधा किलोमीटर के इतना हो गई। और मुझे लगा था मैं नीचे तक लेके जाऊंगी, पर ये रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब मैं खुद नहीं ले जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। ले तो जा सकती हूँ, लेकिन पता चल रहा कहीं पर स्कूटी के टायर छोटे होते हैं ना, कहीं पर मिट्टी में फंस गए कुछ हो गया, तो वो थोड़ा रिस्क रहेगा। अकेले हूँ, साथ में कोई होता है तो फिर थोड़ा सा ना एक पावर सी आ जाती है, और अकेले में ऐसा लगता है यार कि कुछ हो गया तो फिर मुश्किल रहेगा, एक तो दूर का गाँव है ना, तो इसलिए मैं आगे लेके नहीं जा रही हूँ। तो चलते हैं फिर फिलहाल, और आपको भी ये नेचर ट्रेल का आनंद दिलवाते हैं। तो देखते हैं कि अब कब पहुंचते हैं। तो चलिए फिर। तो जी रास्ता है कुछ ऐसा, और एकदम सुनसान सा भी है, तो ये देखिए ना, मतलब मुश्किल ये था कि जो ये मिट्टी एक जगह इकट्ठा हुई है ना यहाँ पे, थोड़ा सा फंसने का डर रहता है, इसलिए मैं अब स्कूटी को आगे नहीं ले जाऊंगी, इतना तो पैदल चलना ही चाहिए। तो अब चलते हैं पैदल। इस गांव में छोटे छोटे होम स्टे बने हैं और रिजॉर्ट बने हैं, और जो ये वुड हाउस फार्म है वो है नीचे, तो यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह बने हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि एकदम ना सुनसान और हाइट वाली जगह है।
15 मिनट चलने के बाद मैं पहुंचने वाली हूं वहां पे जहां मुझे जाना है। तो मुझे जाना है सरपंच से मिलने, अगर वो घर मिली तो मैं दिखाऊंगी आपको, मिलाऊंगी भी सरपंच से। और नीचे ना आजकल इतनी पत्तियां इकट्ठा हो रही है ना, तो मुझे ज़्यादा नीचे भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल गर्मी में ना सांप वगैरह निकलते हैं, तो फिर नीचे भी इतना ही ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैं नीचे ऊपर देख ही रही हूँ, तो जल्दी पहुँच रहे हैं। और चलते चलते मुझे 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ सरपंच के घर और आपको सरपंच से मिलाती हूँ। तो ये है दीपा, और जो अभी लड़की है और सरपंच बनी है। सबसे खुशी की बात ये है कि लड़कियां किसी भी एरिया में हो, किसी भी पोस्ट में हो, कहीं कम नहीं है ना। हाँ। तो कैसा लगा सरपंच बनके? वो बहुत अच्छा लगा। तो इस बार की, और इससे पहले ना मतलब दीपा बहुत काम करती थी, पहले से इतना एक्टिव थी पढ़ने के टाइम से ही, तो पहले हब्स का काम करती थी, तो हमारा ऐसे ही टच था। और मुझे बाद में पता चला कि ये इस गांव की सरपंच है, तो बहुत खुशी हुई। सही में आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे आगे को बने रहे। हमें भी खुशी मिली कि चिराग वाले मेरे साथ जुड़े, मेरे जंगल का पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जिससे हमारा संरक्षण हो रहा है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। आप देखो मेरे घर में आए और यूट्यूब बना रहे हो, तो मैं आपका धन्यवाद आभार करती हूँ। और मतलब ना दीपा को देख के, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम मिली, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये सरपंच है करके, जब मिली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की सरपंच है। जैसे उत्तराखंड में क्या है कि पूरी ग्राम पंचायत को ग्राम प्रधान देखते हैं, और जो जंगल वाली एरिया होती है यानी कि वन पंचायत होती है, उसके लिए एक सरपंच को नियुक्त किया जाता है। और जो ये जो सतोली गाँव है, यहाँ पे दीपा सरपंच है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने नर्सरी रेजिंग का काम भी किया है, तो इसी सिलसिले में और इनसे बात करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मैं आने से पहले जब इनको कॉल करती हूँ और ये फोन में बोलता है कौन कौन बोल रहा है, तो फिर बड़ा वो लगता है कि यार भाई सरपंच अपना पद का यूज कर रहे हैं ना, यही रहता है। और ये है मंजू, और बहुत मेहनती लड़की है, और दो बच्चे भी हैं, और नर्सरी बनाई है। और मैं चाहती हूँ कि मंजू नर्सरी बनाने के बाद मतलब बहुत अच्छा काम करे, मतलब पहले से ही अच्छा काम करती थी। तो दीपा की बहन भी है और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। और मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मंजू ने, जहाँ तक का मैंने मंजू को देखा है। शादी के कितने साल बाद? 9 साल। शादी के 9 साल बाद मंजू के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, शायद किसी कारण से तबीयत खराब थी। तो तब से ये अपने दो छोटे छोटे बच्चों को देख रही है, तो माँ के लिए वो बहुत जरूरी होता है कि अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ती हैं, और मतलब बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करती हैं, है ना। हाँ, यही लगता है मतलब मंजू को देख के, तो मतलब मेरे को ऐसा होता है ना सही में। और अभी दिखाऊंगी इन्होंने कैसी नर्सरी बनाई है, तो नर्सरी बनाने के बाद जो इनको पैसा मिलेगा उसकी एक अलग ही खुशी होगी। और सच में बहुत मेहनत करते हैं, है ना। थैंक यू धन्यवाद। दिव्यांशी दानी बोल। दिव्यांशी दानी, एक बार जोर से बोलो। बोलो बोलो। ये मंजू की बेटी है, और बेटा कहाँ है आज? स्कूल गया है। अच्छा, तो ये बना रखी है मंजू ने नर्सरी, जिसमें दीपा भी हेल्प करती हैं। और हाँ। एक प्लस पॉइंट ये है कि दीपा सरपंच हैं, तो उनकी निगरानी में रहना बहुत जरूरी है, तो उनको लगेगा कि हाँ घर पर नर्सरी है, तो बार बार देखेंगी, है ना। बहुत अच्छा लगेगा अगर नर्सरी हो जाएगी तो ना, हमारा भी जंगल का संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ का काम हमारा हो गया है, तो मंजू का बेटा भी आ गया है, लक्की। हेलो लक्की, हाय बोलो। हाय बोलो बेटा। ये स्कूल से आ गया, ठीक है मंजू, मिलते हैं फिर। ठीक है सरपंच जी, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी आपको अगली बार। तो इन्होंने मेरे को गुड़ की चाय भी पिला दी थी, तो पहाड़ों में चाय के लिए पूछते हैं सभी लोग, तो गुड़ की चाय भी पी ली है। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम पे मेरे को ऑफिस भी पहुँचना है और भी काम है। बाय बाय। आ गया वो भी, तो वापस मैं उसी जगह पहुंच गई हूँ। और अभी जाना है मेरे को स्कूटी तक, और स्कूटी तक जाने के लिए मेरे को चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आते वक्त ऐसे बिल्कुल डाउन था, तो अभी थोड़ा सा चढ़ाई है, तो मैं मिलती हूँ आपको आगे। ये देखो जी, बच्चों को छुट्टी हो गई, और ये बच्चे पढ़ते हैं GIC स्कूल में, कहाँ प्यूड़ा। तो बच्चों को हो गई छुट्टी, यानी कि 4 बज गया। और ये गांव नहीं ना, मुझे ज्यादा शहर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना सारे बाहर के कॉटेज वगैरह बन गए यहाँ से लेके वहां तक। तो वहां
यहाँ से आने के बाद मैं जा रही हूँ अब शॉप पे। तो मैं पहुंची हूँ इधर कपिल शॉप में, जहाँ से मेरे को सामान लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं कुछ कुछ डेली नीड्स की चीजें और फिर नीचे बिलिंग कराएंगे। तो फिर मिलते हैं आगे आपको, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और मैं पूरा ना, मतलब कहीं कहीं भी मेरे को ऐसा लगता है कि नेचर ने हमें इतनी खूबसूरत सी चीजें दी है ना, तो उन्हें कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि कभी क्या होता है कि मैं स्कूटी चला रही होती हूँ या कभी कुछ ऐसा, तो लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप तक मैं उन चीजों को साझा करूँ। तो चलिए कोई नहीं, जो भी रहता है आप बताइए कमेंट में कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, या फिर वीडियोज में कुछ ऐड करना है, या कुछ जो भी आपके कोई भी सुझाव और प्रश्न हो तो आपका तहे दिल से इंतजार है मेरे कमेंट में। तो जी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर और साथ में लेके आई हूँ इतना सारा सामान। क्योंकि रास्ते में ना, फिर मैंने इसलिए शूट नहीं किया कि मेरे फोन की ना बैटरी बिल्कुल भी लो हो रही थी, और फिर मुझे लगा कि चलिए लेट भी हो गया है तो घर जाके ही एंड करूंगी। तो अभी कर लेते हैं फिलहाल चेंज। और आज का दिन कुछ ऐसा रहा, पर ये था कि मेरे ऑफिस का आज पहला दिन था और सबसे हाय हेलो और सबसे मिलना हो गया। तो वो सबसे बड़ी बात है कि पूरा एक महीने बाद मैं आज अपने ऑफिस के लोगों से मिली, तो बहुत खुशी हुई, मतलब सारे लोग। तो फिर होता ही है ऑफिस में काम वगैरह रहता है तो फिर उसमें बिजी रह जाते हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।